जमशेदपुर, गांधीनगर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, नवी मुंबई और नया रायपुर। क्या आपको पता है इन सभी शहरों में क्या कॉमन है? ये सभी शहर इंडिया के आजादी के बाद प्लान करके बनाए गए हैं। इन सभी शहरों की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी पहचान है, बट इन सभी शहरों में एक ऐसा शहर है जो इन बाकी के शहरों को बीट करता है, और ये शहर है नया रायपुर, जो स्टैंडर्ड सेट कर चुका है कि एक स्मार्ट सिटी फ्यूचर के लिए कैसे होनी चाहिए, जो नेचर के साथ, भारतीयता के साथ और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो। अगर आपको ये सब चाहिए तो वेलकम टू नया रायपुर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नया रायपुर क्यों इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट सिटी है। नया रायपुर शहर के डिटेल में जाने से पहले इस शहर की हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसको क्यों बनाया गया, इसको बनाने का पर्पस क्या था। सन 2000 से पहले छत्तीसगढ़ पार्ट हुआ करता था मध्य प्रदेश का। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होता है और हमारे सामने एक नया राज्य उभर के सामने आता है, छत्तीसगढ़। विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ को एक नए कैपिटल सिटी की जरूरत होती है। जो रायपुर शहर था उसको टेम्परेरी कैपिटल सिटी बनाया जाता है और फैसला लिया जाता है कि एक नया सिटी बनाया जाएगा जो छत्तीसगढ़ का परमानेंट कैपिटल सिटी होगा। फाइनली नया रायपुर की लोकेशन चुनी जाती है, रायपुर के साउथ ईस्ट में 17 किलोमीटर दूर। अब इस नए लोकेशन का एडवांटेज ये था कि यहाँ से 2 नेशनल हाईवे का एक्सेस मिलता है। स्टार्टिंग में इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया, जैसे आर्किटेक्चर कंसल्टेंट कंफर्ट डिजाइनर हैदराबाद, आर्किटेक्ट फॉर कैपिटल कॉम्प्लेक्स उत्तम सी जैन ऑफ UCG आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंटल मुंबई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सलादिया एसोसिएट USA। इसके अलावा एक नई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी NRDA, जो नोडल एजेंसी की तरह काम करती इस शहर के डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली सारे डेवलपमेंट के काम ये एजेंसी देखने वाली थी। इनका एम था 21st सेंचुरी की एक ड्रीम सिटी बनाना। यही कारण था कि इसके प्लानिंग में 5 साल से ज्यादा का टाइम लगा। SR श्रीवास्तव, जो चीफ इंजीनियर हैं NRDA के, इन्होंने दुनिया के कुछ बेस्ट टाउनशिप का विजिट किया, जिनको फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया था, ताकि जितने भी चैलेंजेस होते नए सिटी के लिए उनको खत्म किया जा सके। इनका विजन था एक ऐसा शहर बनाना जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, सिक्योर और सेल्फ सफिशियंट सिटी हो फ्यूचर के लिए। इस शहर की प्लानिंग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं थी, यहाँ पे प्लानिंग थी 2031 तक 5.5 लाख पॉपुलेशन को सेटल करना। उसी के हिसाब से इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड को डेवलप करना था। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरह इस शहर के भी कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जैसे सर्विस हब बनना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में, फाइनेंशियल सेंटर हब बनना रीजन के लिए, टू सप्लीमेंट लोकल इकोनॉमी, कल्चरल सर्विस पे ज्यादा फोकस होना, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकेशन सर्विस को लोगों तक पहुंचाना, क्वालिटी एजुकेशन का हब बनना। अब समझते हैं कि इसको बेस्ट प्लांट सिटी क्यों माना जा रहा है इंडिया का। जब हम देखते हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेगा सिटीज को, तो इनको देखकर लगता है कुछ भी प्लान करके नहीं बनाया गया, और बिना किसी प्लानिंग की वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है ओपन स्पेस का। इन शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और स्पेस कम, तो 1 इंच की जमीन की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जब हम नया रायपुर को देखते हैं तो यहाँ ये शहर जितना बड़ा है उसका आधा एरिया सिर्फ ग्रीन स्पेस और रोड के लिए है। जरा सोच के देखिए, एक शहर के आधे एरियाज में रोड और ग्रीन स्पेस है। इस ग्रीन स्पेस में आपको कुछ पार्क मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, छोटे छोटे तालाब मिलेंगे, जो कि इसको इंडिया के बाकी के शहरों से अलग बनाती है, और यही इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। इस शहर में कम से कम मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट यूज हो, इसके लिए रोड्स में आपको साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक देखने को मिलेगा। नया रायपुर से पहले हमने 2 नए प्लान सिटी डेवलप किए, जो अपने आप में खूबसूरत शहर हैं। यह है चंडीगढ़ और गांधीनगर। इन दोनों शहरों में जिस डिजाइन पैटर्न का यूज हुआ है, वही पैटर्न आपको नया रायपुर में भी देखने को मिलेगा। यह है ग्रिड आयरन पैटर्न, जो एरियाज को सेक्टर में डिवाइड करता है। इन सेक्टर की प्लानिंग की गई है वेरियस फंक्शन के लिए। जो राज्य का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो आपको शहर के साउथ ईस्टर्न एज के मिडिल में देखने को मिलेगा। आज दुनिया ग्रीन फ्यूल की ओर बढ़ रही है, जो वैल्यू है वाटर की उसको भी धीरे धीरे समझा जा रहा है। इन दोनों ही चीजों का इस शहर में ध्यान रखा गया है। यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है,
और इस शहर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पानी का जरा सा भी वेस्ट नहीं किया जाता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 55 जलाशय का निर्माण किया है इस रीजन में। यहाँ जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी उन सभी को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया गया है। आपने ढोलेरा SIR का ABCD बिल्डिंग का नाम सुना होगा, जिसका पूरा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस सेंटर फॉर ढोलेरा SIR। बेसिकली इस बिल्डिंग से पूरे ढोलेरा को ऑपरेट किया जाएगा। यह सेंट्रल कंट्रोल रूम होगा ढोलेरा के लिए, यानी शहर में कहाँ पे दिक्कत है, शहर को क्या चाहिए, शहर की सेहत कैसी है, शहर में इमरजेंसी क्या है, ट्रैफिक कैसा है, इन सभी चीजों को इसी बिल्डिंग से ऑपरेट किया जाना है। ढोलेरा के इस कॉन्सेप्ट से पहले नया रायपुर इसको बना चुका है, जिसका नाम है CCC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो एक सेंट्रल हब है सिटी मैनेजमेंट का। यह डेटा सेंटर है शहर का और मुझे पर्सनली यही लगता है कि इस तरह मैनेजमेंट सिस्टम देश के हर एक शहर में होना चाहिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। ये शहर साइज में बड़े हैं तो इनको जोन में डिवाइड करके 2 से 3 इस तरह की सेंटर एडमिन मैनेजमेंट बिल्डिंग को बनाया जा सकता है, ये अच्छा रहेगा। इस शहर की एक और खासियत है, वो है जीरो सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम। नया रायपुर ऐसा शहर है जिसको जीरो सीवेज डिस्चार्ज सिटी का खिताब मिला है। इस शहर को इक्विप्ड किया गया है डिसेंट्रलाइज सीवेज एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि इस शहर में वाटर का वेस्ट न के बराबर होता है, यहाँ हर तरह के वाटर को रिसाइकल किया जाता है। इस शहर में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ से वाटर को रिसाइकल करके उनका यूटिलाइज किया जाता है। आज के टाइम नया रायपुर में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो बन के रेडी हो चुके हैं, जैसे एडमिन एरिया, और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं। देश में बाकी प्रोजेक्ट के साथ साथ इस शहर को भी कोविड की मार झेलनी पड़ी थी, कई सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे, अब उनको फिर से रिज्यूम किया जा रहा है। इस शहर की एक खास बात मुझे अच्छी लगी, वो है शहर की भारतीयता की पहचान। आमतौर पे आज के टाइम जो भी शहर डिजाइन होते हैं उसमें कहीं न कहीं वेस्टर्न डिजाइन पैटर्न का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, लेकिन नया रायपुर को देखकर ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये बात जरूर है कि इस शहर के डिजाइन में दुनिया के बहुत से शहरों का रेफरेंस लिया गया है, लेकिन जो इसका कोर प्रिंसिपल है डिजाइन का उसमें आपको वेस्टर्न डिजाइन की झलक नहीं दिखती, और यही चीज मुझे अच्छी लगी। वैसे इस शहर का अपना एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है, जो नया रायपुर सिटी है और पुराना रायपुर दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर की है, तो मुझे यही लगता है कि फ्यूचर में इन दोनों शहरों को मर्ज किया जाएगा एक शहर में, जैसे ओल्ड दिल्ली और नई दिल्ली। और मेरे ख्याल से ऐसा होना भी चाहिए, इन दोनों शहरों को मर्ज करके और आसपास के डिस्ट्रिक्ट को इसमें जोड़ के इसको एक मेगा सिटी बनाया जा सकता है, जो ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा छत्तीसगढ़ के लिए। अगर आप एक और चीज नोटिस करें तो यहाँ पास में ही महानंदी नदी भी बहती है, जो जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहाँ से एक वाटर कॉरिडोर बनाया जा सकता है। रायपुर के पास नदी के किनारे एक पोर्ट बनाकर इस शहर को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग हब भी बनाया जा सकता है। ये भी एक संभावना है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।